सभापति महोदय, आपने एक गंभीर विषय पर आज यह सबसे बड़ी सदन देश के बच्चों के लिए चिंतित है। वहीं जब ये चर्चा का विषय बन रहा था, मैं माफी मांगना चाहूंगा, कांग्रेस के मित्र समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें बच्चों से लगता था जैसे बहुत ही नफरत है, नफरत की दीवार खड़ा कर रहे थे। सभापति महोदय, देश के बच्चे मर रहे हैं और इन्हें राजनीति सूझ रही है, माफ नहीं करेगा। आज यही कारण है कि इनकी हालात ऐसी हुई। महोदय, मैं इसे राजनीतिक परिवेश में ले जाना नहीं चाहता हूं। मैं स्वयं बिहार का 8 वर्षों तक मंत्री रहा महोदय, और इस विभाग का स्वास्थ्य मंत्री रहा जिसमें बिहार में कहर ढा रहा था। हमारे माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, जिन्होंने स्वास्थ्य के मामले में क्रांति का अलग जगाने का काम भी किया है महोदय, जिन्होंने पल्स पोलियो मुक्त भारत को दिल्ली के अंदर पल्स पोलियो मुक्त बनाने का काम किया था, और इनके उस करनी के आधार पर मैंने भी ठान लिया था बिहार में, और मैंने बिहार को पोलियो मुक्त बिहार बनाया था। महोदय महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा महोदय, 2000 से ये बीमारियां चल रही थी बिहार में। यूं तो उसके पहले भी हमारे और भी वक्ताओं ने जो बयान दिए हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। महोदय, जब 2000 में यह कहर ढाया और मुजफ्फरपुर के अंदर लोग बीमार पड़े थे, अस्पताल के अंदर रुई नहीं था महोदय, अस्पताल के अंदर इंजेक्शन नहीं थे, अस्पताल के अंदर दवाइयां नहीं थी बिहार में, अस्पताल के अंदर बेड पर कुत्ते सोए हुए बच्चे, कुत्ते के बच्चे मिलते थे महोदय, शर्म आता है। और उस समय जब 2005 में हमारी सरकार बनी महोदय, हमने अस्पतालों को सजाया, अस्पतालों के भवनों को बनाया, बच्चों के लिए तमाम बिहार के अंदर हर स्वास्थ्य केंद्रों को सुसज्जित करने का प्रयास किया, डॉक्टरों की बहाली करने का प्रयास किया। महोदय, 2013 तक कई आंकड़े आए, मैं आंकड़ों के जाल में नहीं जाना चाहता। आज 159 बच्चे बीमार हैं महोदय, बीमार नहीं, 159 बच्चे मौत के घाट बिहार में उतर गए। मुजफ्फरपुर के 14 जो हमारे उत्तर बिहार और मध्य बिहार के 16 जिला, जिसमें मुजफ्फरपुर श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज और वहां के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल मारवाड़ी समाज का नहीं होता तो शायद सैकड़ों बच्चे मर जाते। महोदय, मैंने उस समय रिसर्च किया, हमने उस समय के तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, मैं आज भी केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी एक जुबान पर उन्होंने टीम भेज दिया, पुणे से टीम भेजा, और पुणे से जब टीम आई महोदय, वो टीम हतप्रभ थे, कह रहे थे मंत्री महोदय मुझसे, मैं कैसे इसको करूं, यहां तो कोई साधन नहीं है, इंजेक्शन देने के लिए उस समय नहीं था। मैंने करोड़ों रुपए खर्च करके अस्पतालों को सुसज्जित करके, और हमने कहा कि आप चिंता मत करिए, बोला ब्रेन टिश्यू निकालना पड़ेगा। मैंने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो मैं स्वास्थ्य मंत्री जिनके अधीनस्थ था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी, बच्चे मर रहे हैं, ये मुझसे देखा नहीं जा सकता है, यह अत्यंत कार्मिक दृश्य है। जब मैं अस्पताल में गया था, हजारों लोग मुझे पैर पकड़ के कहते थे बच्चे को बचा लो, मां कहती थी हमारे बच्चे को बचा लो। महोदय, मैं द्रवित हो गया था और मैंने ठान लिया था कि एएस हो या जेएस, अगर पोलियो मुक्त बिहार बनाया है, पल्स और पोलियो मुक्त भारत बनाया है, तो एएस और जेएस मुक्त भारत बनेगा। आज भी इसको प्रण करने की जरूरत है। और मैंने बिहार में महोदय 2008 से बिहार ग्राम गौरव यात्रा निकाली थी महोदय, 2008 से हर साल स्वच्छता को लेकर के, पेयजल शुद्ध जल को लेकर के, जो बात आदित्य जी ने कहा कि कैंसर और कई बीमारियां हमारे बिहार के अंदर 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पेयजल की आपूर्ति के लिए, मैं पीएचडी मिनिस्टर था महोदय, मुझे दुख होता है जो मैंने स्वीकृति दिया था, आज हमारे क्षेत्र में जहां मैं बक्सर पार्लियामेंट से आया था, वहां आता हूं महोदय,
126 करोड़ का योजना मैंने 2008 में दिया था, आज वहां घास लगे हुए आज तक लोग, और वो पानी पीने के लिए विवश होते हैं। वही आर्सेनिक जल, वही आज बीमारी का जो बहुत सारे कारण, हमें टाटा हॉस्पिटल मुंबई में गया था, उन्होंने वहां के डायरेक्टर ने कहा कि माननीय मंत्री जी आप जानते हो, उस समय उन्होंने कहा कि आपके बिहार में गंगा बेसिन में बेगूसराय से लेकर के बक्सर और भागलपुर तक कैंसर के बीमारी से लोग भर जाते हैं और आपके यहां कैंसर की इलाज नहीं है। महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज बिहार के अंदर और पूरे देश में, तमिलनाडु से लेकर कई राज्यों के बारे में, उत्तर में गया था, हमारे आदित्यनाथ जी ने हमें प्रेरणा जगाई थी, ये हमारे घर पर आए थे महोदय जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, और उस समय जब चर्चा हुई मैं गया था गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को देखने, वहां फिर भी संतोष थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन आज बिहार के अंदर कोई सेंटर नहीं महोदय, भारत महोदय अभी तो शुरुआत ही है। महोदय कृपया रहम करिए, महोदय अगर सही में सार्थक चर्चा करना है, महोदय मैं फालतू बात नहीं कर रहा हूं, सबके लिए पांच मिनट बोलने के लिए महोदय प्लीज। महोदय बैठो बैठो यार, अरे भी बनाया है, चिंता मत करो, आगे चाहूंगा उतार लूंगा, ये दम है अश्वनी चौबे में, अश्वनी चौबे में वो दम है कि मैंने नीतीश कुमार को कहा था 21 तारीख को तुमको जाना होगा, 21 तारीख से 22 तारीख नहीं हुआ, आप चिंता मत करो, अश्वनी चौबे वो शख्स है जिसने आपको भी यहां लाने के लिए मजबूर कर दिया था, चिंता मत करो कौशेंद्र कुमार, चिंता मत करो, हल्ला नहीं, आप चुप रहिए, कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप छोटे भाई हो, मैं बहुत प्यार करता हूं, कुमार सारे भेद खोलवाने के लिए यहां मत बोलो, कौशेंद्र कुमार अध्यक्ष, सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं आपसे दो तीन महत्वपूर्ण बातें, सभापति महोदय, महोदय नहीं महोदय सभापति महोदय, महोदय नहीं, काइंडली महोदय, मैं आ रहा हूं कंक्लूड पर, आप मुझे कृपया समय दीजिए, जो बात महत्वपूर्ण बात है कंक्लूड पर आ रहा हूं, यहां आप देख रहे हैं कि चर्चा हो रही है, खत्म करिए, हाँ महोदय, सभापति महोदय, मैं आपसे इस माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बैठक बुलाई, हमें भी बुलाया, और स्वास्थ्य मंत्री जी वहां बिहार गए, बिहार में गरीब और बच्चों को देखा, इनके आंखों में आंसू आ गए थे। महोदय मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर भारत सरकार जो इस दिशा में अग्रसर है, बिहार सरकार को भी अग्रणी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। आज अस्पतालों में रुई नहीं, ये कह रहे थे जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में सुई नहीं है, मैं चाहता हूं कि पूरे मेडिकल कॉलेज के अंदर, जो मैंने आग्रह किया है स्वास्थ्य मंत्री जी से कि बिहार में श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर, गया मेडिकल कॉलेज, भागलपुर मेडिकल कॉलेज और पटना मेडिकल कॉलेज में वायरोलॉजिकल लैब खोलने की आवश्यकता है, और सभी अस्पतालों में 100 से 100 वार्ड का बच्चों के लिए आप एसी के साथ, वेंटिलेटर के साथ ये केंद्र सरकार सहयोग करे। दूसरी बात महोदय, मैं आग्रह करूंगा जो पुनर्वास की बात आई है, 30% बात जो आई है, महोदय बस अंत में महोदय।